स्टूडेंट्स, आज गणित विषय में लगभग कोर्स खत्म हो गया है। अब उसके आगे जो आपका परीक्षा के लिए आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसके बारे में अध्ययन करें। देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, लास्ट क्लास में हमने सही विकल्प पढ़े थे। अब सही विकल्प में क्वेश्चन नंबर टू आता है, तो दूसरा है खाली स्थान, उत्तर दीजिए। पहला है, इसमें मूल बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। चतुर्भुज के चार कोणों का योग होता है 360 अंश। वो इसलिए बच्चों की चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है और चार कोण होते हैं। प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का। जब चारों कोणों का जब योग करेंगे तो 360 अंश होता है। ठीक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, क्योंकि न्यून कोण होता है। कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। वर्ग 2 20 से 30 की निम्न सीमा, मतलब लोअर लिमिट, 20 हुई लोअर, 30 हुई अपर लिमिट, तो 20 उसका सही उत्तर है। एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या 9 होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के अंतर को कहते हैं वर्ग अंतराल। सभी प्राकृतिक संख्या एवं शून्य मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। सभी 3x3 में x3 का गुणांक है। अब यहाँ 3x3 में x3 का जो गुणांक है वो क्या है? 3 है। सही उत्तर है 3। त्रिभुज के 3 अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। संपूर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समांतर चतुर्भुज के दोनों भी कर्ण परस्पर समविभाजित करते हैं। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम एक वृत्त खींचा जा सकता है। घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र है d = kernel L² + b² + h² 1, 2, 3, 4, 5 का माध्य 3 होता है। क्यों होता है? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे और विभाजित करेंगे, वो होगा 5 से भागित होगा। तो यहाँ 15 by 5, 5 से 15 को जब हम कट करेंगे तो क्या होगा? 3 होता है, इसका माध्य 3 होगा। सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। अधिक कोण 120 अंश का होता है, क्योंकि 90 अंश से अधिक कोण को क्या कहते हैं? अधिक। चतुर्भुज के 4 प्रकार होते हैं। प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट आएगा परीक्षा में। 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य क्या होगा? उत्तर आएगा 6। माध्य में चौथी प्रकार निकालेंगे कि 2, 4, 6, 8 और 10 को टोटल करेंगे, डिवाइड बाय संख्याओं का योग। टोटल कितनी संख्याएं गिने? 1, 2, 3, 4, 5 है। तो जितनी संख्याएं टोटल करेंगे 18, 30, 30 by 5। 5 से 30 को जब भागित करेंगे तो उत्तर आएगा 6। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का व्यास। किरण का जन्म स्थान मिश्र है। बहुपद 5x3 × 4x2 × 3 क्योंकि यहाँ 5x3। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी घात को लेते हैं। अर्धवृत्त का कोण 90 अंश का होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a1/2 आधार * ऊंचाई। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी चतुर्भुज में 4 शीर्ष।
किसी पासे को फेंकने पर फलक पर सात का अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? फलक पर जो है एक से लेके छह अंक तक डाइस में होते हैं, सात अंक तो होता नहीं है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? शून्य। किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं के परिणाम को प्रायिकता कहते हैं। संभाव त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप सात अंश होता है, क्योंकि संभाव त्रिभुज होता है न्यून कोण। देखते हैं बच्चों न्यून कोण, ये रहा, यहाँ प्रत्येक जो कोण है तीनों ये सात सात अंश के होते हैं, ये न्यून कोण कहलाते हैं। छोटे नेक्स्ट, क्षेत्रफल को मापने का मात्रक क्या है? मीटर। किसी त्रिभुज की भुजाओं के योग को क्या कहते हैं? त्रिभुज। वह समांतर षटफलक जिसका प्रत्येक फलक एक वर्ग हो उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं। ठीक, अब एक वर्ग देखें, वर्ग के लिए जो लेना है वो आयत लेना, दो इस टाइप से वर्ग 10 और 20 का मध्यमान क्या होगा? ये 15 होगा, कैसे होगा देखते हैं। देखिए 10 और 20, 10 20 को ऐड करेंगे टोटल आएगा 30, 30 बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा ये 15, 15 इसका मध्यमान होगा। नेक्स्ट, किन्हीं चरों का औसत मान माध्यिक कहलाता है? प्रायिकता का सूत्र होता है PE बराबर NE बाय NS। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। देखते हैं आयत, देखिए इसमें आपको प्रत्येक जो कोण है ये देखिए समकोण है, हर वर्ग में ये देखिए तो नाम भी दे ए बी सी डी, ये आयत कहलाएगा। नेक्स्ट है बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र 2 पाई आर एच होता है, तीन पदों वाला बहुपद त्रिपद कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये परीक्षा में इम्पोर्टेंट जो है आपको आने वाली जो है संभावित ये आपको पढ़ाए गए समझाए गए, आप इसको नोटबुक में जरूर लिखें और याद करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू।